क्या बता रहे थे लास्ट क्लास में, भूल गया। क्या बता रहे थे, तो याद दिलाओगे क्या बता रहे थे? रिवीजन ही चल रहा था। रिवीजन नहीं चल रहा था। हीट कैपेसिटी निकालने के लिए बता रहे थे, ठीक है, किसी भी मोलर हीट कैपेसिटी निकालने के लिए बता रहे थे, स्पेसिफिक कैपेसिटी। ये किसी भी प्रोसेस के लिए अगर सी निकालना हो आपको, कैसे निकालोगे? तो सी इज इक्वल टू सी वी प्लस क्या था, आर पी डी वी डिवाइड बाई पी डी वी प्लस वी डी पी। किसी भी इन ये जनरल कब प्रोसेस, पढ़ा? तुम लोग को पढ़ा है ना? हम लोग को नहीं पढ़ा है सर। अरे सर, ये किसको पढ़ाया सर? ये नहीं पढ़ाया सर। हाँ तुम्हें लोगों ने पढ़ाया है जी ये? यस किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए सी इज इक्वल टू क्या होता है? तो सी वी प्लस आर पी डी वी डिवाइड बाई वी डी वी प्लस पी डी वी। इसको डिराइव भी किया हूँ, ठीक है। क्या था सीवी? सीवी तो आपको पता है क्या है, किसी भी गैस के लिए, ठीक है। मान लो कि इन जनरल कोई भी गैस अगर मान लो किसी प्रोसेस में गया, ठीक है, उसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा? तो चीज हम लोग जानते हैं, एक मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जानते हैं, जिसको हम लोग सीपी बोल रहे थे। एक हम लोग जानते थे कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग सीवी बोल रहे थे। अब मान लो कोई जनरल प्रोसेस है जिसको पता नहीं है कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है कि कॉन्स्टेंट प्रेशर है, क्या है नहीं है। हम इन जनरल अगर मान लो कोई प्रोसेस हुआ, चाहे आइसोबैरिक हो जाए, एडियाबेटिक हो जाए, कैसा भी प्रोसेस हो जाए, ठीक है, कैसे भी गैस का करे एक्सपेंड कर जाए, कंप्रेस कर जाए, उस केस में आपसे पूछे कि बताओ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा इस गैस का, इस प्रोसेस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो एक मोल ऑफ गैस लेंगे, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा। कोई भी प्रोसेस मान लेते हैं, कैसा भी प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं, रैंडम प्रोसेस, ठीक है, कोई भी रैंडम प्रोसेस ले लेते हैं। मान लो कि पीवी है, कोई भी ऐसा मान लो ऐसा गया, ठीक है, 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गया, और आपसे पूछे कि बताओ इसका जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा कितना होगा, यानी इसका जो एक मोल ऑफ गैस होगा, कोई भी जनरल प्रोसेस हो रहा है, एक मोल ऑफ गैस लेंगे, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, क्या हो जाएगा? तो स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, और उसको निकालने के लिए बताए थे कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सी इज इक्वल टू क्या आता है, तो सी वी प्लस पी डी वी डिवाइड बाई एन डी टी। और एन डी टी को हमने लिखा था आगे चल के, एन डी टी क्या होगा, तो एन डी टी इज इक्वल टू पी डी वी प्लस वी डी पी बाई आर होगा। इसको डेरिवेशन को देखना, और फिलहाल के लिए ध्यान रखना कि सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी वी प्लस आर पी डी वी डिवाइड बाई पी डी वी प्लस वी डी पी। ऐसे जरूर ज्यादा पड़ेगा नहीं आपको, जो जरूरत पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो अगर मान लो कि हमारा प्रोसेस कैसा हो, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, कोई भी एक जनरल प्रोसेस के लिए हमने निकाल के दिखाया था, जहाँ पे टेम्परेचर क्या कर रहा था, इस तरह से वेरी कर रहा था, इसका मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लिया था कि मान लो कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि मान लो कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक मतलब पीवी रेस टू पावर एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो रहा है, अगर आपसे पूछे कि बताओ जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, इस केस में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके निकाले थे, और फाइनल जो आंसर आया था हमारा क्या आया था, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डिवाइड बाई 1 माइनस एम। जो नहीं पढ़े होंगे इसको बिल्कुल पढ़ लेना, दोनों चीज ले देता हूँ मैं यहाँ से। ये तो इन जनरल प्रोसेस के लिए हो गया था आपका, और फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी प्लस आर इंटू 1 माइनस एम। कोई भी अगर कैसा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जहां पे क्या होगा पी वी रेस्ट टू पावर एम इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पी वी रेस्ट टू पावर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
कोई भी अगर ऐसा प्रोसेस होता है तो उस केस में अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन देता हूँ, करो ठीक है। एक क्वेश्चन है इस तरह से दे रखा है, आपको ग्राफ दे रखा है पी वर्सेज वी का ग्राफ दे रखा है, पी वर्सेज वी का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, पी वर्सेज वी का ग्राफ दे रखा है। आपको निकालना है फॉर द गिवन प्रोसेस कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी मोलर हीट कैपेसिटी कितना होगा इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक तरीका तो आपको है कि ये वाला यूज कर लें या फिर आप यूज कर लें, ये आपको ज्यादा काम आएगा। यहाँ पर देखोगे आप इस प्रोसेस को देखोगे तो कैसा प्रोसेस है, तो आपको आइडियल गैस इक्वेशन आपको हमेशा याद रखना है पीवी इक्वल टू कितना होगा, एनआरटी होगा, ठीक है, एनआरटी होगा। यहाँ पे देखोगे तो पी वाई भी क्या है, पी वाई भी क्या होगा कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। यहां से बोल सकते हैं क्या कि पी बाई भी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो पी बाई भी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या होगा, इसको बोल सकते हैं पी इंटू वी रेस्ट पावर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं होगा इस प्रोसेस के लिए, इसे ले सकते हैं। अब इसको जरा कंपेयर करो पॉलीट्रॉपिक से, तो पॉलीट्रॉपिक में क्या था कि अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो पी वी रेस्ट पावर एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो, पी वी रेस्ट पावर एम इक्वल टू अगर कॉन्स्टेंट हो, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा, सी इक्वल टू सी वी प्लस आर डिवाइड बाई वन माइनस एम। तो सी वी तो सी वी हो गया, पता होता अपने को, गैस अगर दिया रहेगा तो वन माइनस एम, एम की जगह पे देखोगे तो एम की जगह पे यहाँ पे कितना है, माइनस वन है कि नहीं है। yes. हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, सी वी डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई वन माइनस माइनस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस माइनस टू नहीं प्लस टू, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर बाई टू हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये बात नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, कुछ करना नहीं है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आपको निकालना है। जैसे कि मान लो कि इधर देता हूँ वॉल्यूम और इधर दे देता हूँ मैं वन अपॉन टेम्परेचर, और मैं बोलता हूँ कि एक प्रोसेस है वन से टू, क्योंकि अभी प्रोसेस देखो, अभी प्रोसेस क्या है ना, तो आइडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, ना तो आपको कॉन्स्टेंट प्रेशर है, ना ही तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, प्रेशर भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, वॉल्यूम भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। तो ना तो हम बोल सकते हैं कि आइसोकोरिक है, ना बोल सकते हैं आइसोबारिक है, एक अलग तरह का प्रोसेस है। इस केस में हम लोग को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसको निकालने के लिए तरीका है। जैसे कि क्वेश्चन है कि मान लो ए प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पे निकालना है आपको सी, ठीक है, सी निकालना है तो कैसे निकालोगे, वन अपॉन टी है, वन अपॉन टी है, तो बताओ कैसे निकालोगे। यहां से बोल सकते हो क्या v बाई वन अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यहां से मतलब बोल सकते हैं कि v इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, v इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब जरा कंपेयर कंपेयर खेलो, ठीक है, आप क्या करोगे बताओ, आपको तो क्या चाहिए, अगर इस तरह से कुछ निकाल लो पी वी रेस्ट पावर एम इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर कर लो आप, आपको काम क्या कर जाएगा बन जाएगा, आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता है क्या होता है, तो PV इक्वल टू NRT होता है, तो T इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो कि T इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो PV बाई NR हो जाएगा। T इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो PV बाई NR हो जाएगा। अगर VT अगर कांस्टेंट है, V इंटू टी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, आपको गिवन है, गिवन कैसे पता चला, तो ग्राफ देख के, ग्राफ देखे क्या पता चला, तो v इंटू टी इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट है।
यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि v इंटू t इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, तो पी वी रेस्ट टू पावर सॉरी पी वी बाई एन आर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, जब पुट कर दिया हमने आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी बाई एन आर, ये भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो यहाँ से बोल सकते हो कि p इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा। गैस क्या है, गिवन है, तो n भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, r भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। n इंटू आर अगर कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब जरा कंपेयर करो, पी वी रेस्ट टू पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेस्ट पावर m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। इस केस में c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू सी वी प्लस, बोलो क्या होगा, सी वी प्लस आर बाई, बोलो तभी याद होगा, वन माइनस एम, सी वी तो आपको पता है, ठीक है, आर आपको पता है वन माइनस, और एम की वैल्यू देखोगे तो एम की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया है, टू आ गया, अरे टू आ गया। ठीक है, तो आपका आ गया आंसर, हो गए सी वी माइनस आर बाई सी वी माइनस आर आ जाएगा, सी वी माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? यस। तो कोई भी अगर इन जनरल अगर प्रोसेस रहेगा उस केस में आप क्या कर सकते हो, आराम से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप निकाल सकते हो। कैसा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल सकते हो, कोई भी प्रोसेस आपको दिया रहेगा, ठीक है, उसके लिए आप इस तरह से मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको निकाल सकते हो। कोई ग्राफ दे देगा आपको, पूछेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, आपको दे रहेगा मान लो कि हीलियम गैस है चाहे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बोल दे, हीलियम गैस बोल दे, आपको पूछेगा स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा इस प्रोसेस के लिए। तो जैसे हीलियम बोले, हाइड्रोजन बोले, कुछ भी बोले, आपको क्या पता होगा, उसका सीवी पता होगा ना, उसका सीवी तो निकाल सकते हो एफआर बाई टू करके, ठीक है, एफआर बाई टू करके निकाल सकते हो। कोई भी गैस रहेगा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहेगा आपको, इस प्रोसेस के लिए आप उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका। अब जैसे कि मान लो कि दो गैस ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक गैस ले रहा हूं, नंबर वन गैस है, दूसरा गैस इधर ले रहा हूं अलग कंटेनर में, ठीक है, मान लो कि इसका जो मोलर मास है इसका m1 है, इसका मान लेते हैं कि मोलर मास कितना है m2 है, मान लेते हैं कि इसका जो, इसका मान लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है cp1 है, इसका मान लेते हैं cp2 है, या फिर बोल सकते हैं इसका cv1 है, इसका क्या है cv2 है, cp cv वैल्यू लिख लेते हैं। इसका मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है f1 है, इसका मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है f2 है। अब मान लो कि इस दोनों गैस को क्या किए हैं, मिक्स कर दिया है, ठीक है, इस दोनों गैस को क्या किए हैं, एक कंटेनर में मिक्स कर दिया गया। अब मिक्स कर दोगे तो जो गैस होगा उसका पूछेगा कि cp क्या होगा, मिक्स वाला गैस करने का cv क्या होगा, ठीक है, मिक्स कर दिया गैस तो cv क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, यानी अगर दो गैस को मिक्स कर दिया है तो मिक्स करने के बाद उसका cp cv जो वैल्यू होगा कितना होगा, कैसे निकालेंगे, क्या लगता है कि सेम ही होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, मिक्सिंग ऑफ गैसेस चेंजेस होगा कि नहीं होगा, cp cv चेंज होगा कि नहीं होगा, अगर गैस को मिक्स करोगे तो, गैस को अगर मिक्स कर दोगे cp और cv की वैल्यू वही रहेगा कि चेंज करेगा, बिल्कुल चेंज करेगा, गैस पर डिपेंड करता है ना, अगर सेम ही गैस लोगे तो करेगा कि नहीं करेगा, अगर गैस अलग अलग गैस लेंगे, हमने अलग लिया ना, इसका मॉलिक्यूलर मास m1 लिखा है, इसका मॉलिक्यूलर मास m2 लिखा है, ठीक है, जब ये गैस लिया था इसका, इसका जो cp वैल्यू था उसको बोला हमने cp1, इसका जो cv वैल्यू था उसको बोला हमने cp1, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लिया f1, इसका मान लिया cp2, cv2 और f2। अगर इस दोनों गैस को अगर आप मिक्स कर दो तो एक कंटेनर में, ठीक है, हाँ रिएक्ट नहीं कर रहा गैस, सिंपल गैस रखा हुआ है, नॉन रिएक्टिंग गैस है, ऐसा नहीं रिएक्ट करके नया बना दो, तो अगर आप इस तरह से मिक्स कर दोगे तो मिक्स करने के बाद जो गैस बनेगा उसका अगर आपसे पूछे कि cp वैल्यू क्या होगा, cp
की वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, सीवी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे। एक बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अगर गैस का n1 था, यहाँ पे मान के चलो कि नंबर ऑफ मोल्स गैस का n2 था, जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, n1 प्लस n2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, बहुत कम आवाज आ रहा है। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। अभी ठीक है? यस। क्या ही होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? n1 प्लस n2। मुझे भी पता चल रहा है, माइक खराब है तो मेरे आवाज में भी वो आवाज आ रहा है, तुम लोगों को कानों में जा रहा है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर देखोगे मिक्सर का तो क्या हो जाएगा, दोनों गैस को मिक्स किया तो n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है। अगर कई बार ऐसा ही पूछता है कि इसका जो इक्विवेलेंट मोलर मास होगा, ठीक है, m इक्विवेलेंट क्या होगा, m इक्विवेलेंट क्या है, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मोलर मास, इक्विवेलेंट मोलर मास, इसका थोड़ा सा तुम माइक दूर कर लो, मैं भी माइक दूर कर लेता हूँ, ठीक है, बस बोलते जाऊंगा सुनते जाना, चाहे स्पीकर पे कर लो, घर घर करके आवाज आ रहा है, बहुत इरिटेटिंग आवाज आ रहा है, तो भूल जाता हूँ क्या बोलना है, आवाज ऐसा इरिटेटिंग आता है ना। अगर मान लो कि इसका इक्विवेलेंट मोलर मास पूछेगा कि अगर दो गैस को अगर आपने मिक्स कर दिया है तो इसका इक्विवेलेंट मोलर मास कितना होगा, तो यहाँ देखो अगर इसका मास अगर m1 है, इसका तो इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, मास की बात कर रहा हूँ, मोलर मास की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे m1 क्या माना है हमने, मोलर मास माना है, इसका मास मान लेते हैं कि m1 है, इसका मास मान लेते हैं कि m2 है। अगर हम लोग देखेंगे टोटल मास ऑफ द मिक्सर कितना होगा, टोटल मास ऑफ द मिक्सर की बात करें तो मिक्सर का टोटल मास कितना होगा, तो गैस वन का जो मास होगा और गैस टू का जो मास होगा, दोनों मास जो ऐड करेंगे क्या आएगा, मिक्सर का मास आएगा, क्योंकि मास थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 kg था, यहाँ पे 3 kg था, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 5 kg आएगा, खत्म तो नहीं हो जाएगा। इसका मास अगर निकालना तो इसका मास कैसे निकालेंगे बताओ, इसका मोलिकुलर मास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, मिक्सर वन का मास कितना आ जाएगा, n1 into m1 आएगा कि नहीं आएगा, n1 m1 क्या हो जाएगा, तो मास ऑफ मिक्सर वन हो जाएगा, m1 इक्वल टू कितना जाएगा, तो जाएगा n1 into m1, ये क्या है m1, तो मास ऑफ गैस वन, और n1 क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स है, और m1 क्या है, तो मोलिकुलर मास है, ठीक है, इसको आप लिख लोगे, ठीक है, n1 क्या है, m1 क्या है, स्मॉल m1 क्या है, n1 है आपका नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल m1 क्या है, यह है मॉलिक्यूलर मास, और m1 क्या है, यह है मास, मॉलिक्यूलर मास और मास अलग अलग होता है, पता है ना, अगर मास की बात करें कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर मास निकालना तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, यही भी बोल रहा हूँ कि m1 क्या है, तो मास ऑफ द गैस वन, मास ऑफ द गैस वन कितना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वन इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस वन, प्लस मास ऑफ गैस टू की बात करें तो क्या आ जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा गैस टू का, n2, और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा है, m2, तो n1 m1 प्लस n2 m2 क्या आ जाएगा, टोटल मास ऑफ द क्या आ जाएगा, मिक्सर आ जाएगा, टोटल मास ऑफ द मिक्सर आ जाएगा, ठीक है, टोटल मोल ऑफ द मिक्सर कितना है, n1 प्लस n2 है। अगर आपसे पूछे कि बताओ इक्विवेलेंट मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, अब ये गैस है, मिक्सर है, इसका टोटल मास कितना हो गया, इसका मास हो गया n1 m1 प्लस n2 m2, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, n1 प्लस
N2 हो गया, ठीक है। एक गैस है जिसका इतना मास दिया हुआ है और इतना नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, इसका पूछे कि इस गैस का मिक्सर का एम इक्विवेलेंट मोलर मास कितना होगा, मोलर मास ऑफ मिक्सर कितना होगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास इक्वल टू कितना होगा, तो टोटल मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ये होता ना, ये क्या है मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, क्या है नंबर ऑफ मोल्स आया। अगर आपको मोलिकुलर मास चाहिए तो मोलिकुलर मास इक्वल टू कितना जाएगा, तो मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तभी निकलेगा मोलिकुलर मास। हमको निकालना था एम इक्विवेलेंट, एम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ मिक्सर है, इक्विवेलेंट मोलर मास ऑफ मिक्सर है। तो मिक्सर का हम लोग इक्विवेलेंट मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो मिक्सर का हमको मास पता है, मिक्सर का हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो मास ऑफ द मिक्सर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ द मिक्सर, तो मास ऑफ द मिक्सर कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ द मिक्सर हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा। ये आपको क्या आ गया, एम इक्विवेलेंट आ गया। अगर मान लो कि दो गैस आपको मिक्स करे, दो गैस आपसे आपको मिक्स करे, आप पूछे कि बताओ जो मिक्सर है उसका इक्विवेलेंट मोलर मास कितना होगा, इक्विवेलेंट मोलर मास कितना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ द मिक्सर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। ये क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ द मिक्सर आ गया। कोई दिक्कत, अगर आपसे पूछे कि बताओ मिक्सर का जो सीपी होगा क्या होगा, ठीक है, सीपी या सीपी पूछे, सीपी पूछे या फिर सीपी पूछे कि मिक्सर का क्या होगा, तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे। अगर हम लोग पूछे आपसे, बोले कि अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सर, तो क्या होगा, अगर मान लो कि एक गैस है, दो गैस है, तीन गैस है, चार गैस है, कितना भी गैस मिला दो, जैसे मान लो कि यहाँ पे दो गैस लिए थे, मान लो कि तीन चार गैस हो, तो क्या हो जाएगा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस N4 M4 डिवाइड बाई N1 प्लस M2 प्लस N3 प्लस N4, चार हो पांच हो, इस तरह से आप निकाल सकते हो। उस तरह से अगर मिक्सर का हम लोग पूछे इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 1 प्लस इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 2, अगर दो गैस को हम लोग मिक्स किए हैं तो इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा प्लस इसका जो इंटरनल एनर्जी होगा, ठीक है, दोनों को मिक्स किए हैं तो इसका जो मिक्सर का इंटरनल एनर्जी होगा क्या होगा, दोनों के इंटरनल एनर्जी के सम के बराबर होगा, U1 प्लस U2 के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यू मिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू मिक्स हो जाएगा N1 प्लस N2, नंबर ऑफ मोल्स कितना है N1 प्लस N2, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऐसा होगा NcvT हो सकता है। एक गैस का बात करें, अभी हम लोग यूज भी किए थे क्वेश्चन में कि एक गैस के लिए, ठीक है, किसी टेम्परेचर पर अगर बात करें कि इस टाइम पे इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, डेल्टा टी की नहीं बात कर रहा हूँ, डेल्टा यू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, किसी टेम्परेचर पे अगर हम लोग इंटरनल एनर्जी डिफाइन करना चाहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि यू इक्वल टू क्या होगा, NcvT होगा, अभी बताया भी था, ठीक है, कि डेली यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, NcV डेल्टा टी लिखते हैं, तो डेली इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, U2 - E1 हो जाएगा, और डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 - T1 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NcvT1 हो जाएगा, U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, NcvT2 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर U1 की बात करें, पहले U1 U2 लिख लेते हैं, U1 की बात करें तो U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस 1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N1 है, ठीक है, इसका Cv क्या है, Cv1 है, और इसका टेम्परेचर कितना है, तो T1 है, मान लेते टेम्परेचर कितना है, T1 है। अगर मान लो कि सेम टेम्परेचर पे है, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम रखेंगे तब भी हम लोग बात कर सकते हैं, मान लो कि अलग अलग टेम्परेचर पे, एक T1 पे, एक T2 पे है, ऐसा नहीं लेंगे टेम्परेचर सेम ले लेते हैं, ये टेम्परेचर T है, ये टेम्परेचर T है, ये भी टेम्परेचर क्या है, T है, सबका टेम्परेचर क्या है, सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हम लोग, तो गैस को हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो सेम टेम्परेचर पे ही मिक्स कर रहे हैं। तो फर्स्ट गैस का जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगा कितना हो जाएगा, N1 C1 इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। सेकेंड गैस का अगर इंटरनल एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो जगह N2 CV2 इंटू क्या जाएगा, T हो जाएगा।
इस तरह से मान लो और भी गैस रहा, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन थ्री सी वी थ्री इंटू टी लिख सकते हैं, एन फोर सी वी फोर इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू मिक्स में देखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एन वन प्लस एन टू है, और यहाँ पे हम लोग सी वी मिक्स लिख सकते हैं इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो टी टी तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो देखोगे तो सी वी मिक्स कितना हो जाएगा, सी वी मिक्स मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सर, वो क्या हो जाएगा, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू। अगर मिक्सर का आपको सी वी निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। अगर सी वी इस तरह से हुआ तो सीपी भी क्या होगा, इसी तरह से होगा, सीपी मिक्स की बात करेंगे, मिक्सर का सीपी वैल्यू कितना होगा, वो भी ऐसे निकलेगा, एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू, एन वन प्लस एन टू, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा गैस मिला दे और उसका पूछे पूछे कि मिक्सर का सीपी वैल्यू क्या होगा या फिर मिक्सर का सीपी वैल्यू कैसे होगा, ठीक है, तो आप सिंपल क्या करोगे, जो जो गैस मिला है एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू प्लस एन थ्री सी वी थ्री प्लस एन फोर सी वी फोर डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री प्लस एन फोर, जितने नंबर ऑफ गैस रहेंगे आप उस तरह से लिखोगे, ये क्या आ जाएगा आपका मिक्सर का सीवी वैल्यू आ जाएगा या आपका मिक्सर का सीपी वैल्यू आ जाएगा। अगर गामा मिक्सर की बात करें, गामा मिक्सर की बात करें, तो गामा मिक्सर क्या हो जाएगा, तो सीपी मिक्सर डिवाइड बाई सीवी मिक्सर, सीपी बाई सीपी क्या होता है, गामा होता है, सी वाई सीपी करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एन वन सी पी वन प्लस एन टू सी पी टू डिवाइड बाई, ठीक है, सी वी करोगे तो देखो सी वाई क्या आ जाएगा, एन वन सी वी वन प्लस एन टू सी वी टू, बाकी एन वन प्लस एन टू तो क्या आ जाएगा, दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो गामा जो मिक्सर होगा क्या होगा, ये होगा। ये तीनों क्या करना, आप ध्यान रखना चीजों को, अगर आपको कभी भी दो गैस या दो से ज्यादा गैस मिला दे और उसका आपको सीवी वैल्यू निकालना हो, सीपी वैल्यू निकालना हो या फिर गामा निकालना हो, तो कैसे हम लोग गामा उसका निकालेंगे, सीवी कैसे निकालेंगे और सीपी कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक है, यानी इक्विवेलेंट हो गया, बेसिकली इक्विवेलेंट सीवी वैल्यू कितना होगा, इक्विवेलेंट सीपी वैल्यू कितना होगा, इक्विवेलेंट गामा कितना होगा, कब, जब दो गैस को इस तरह से सिंपल आपने मिक्स कर दिया है, दो गैस को यहाँ पर रिएक्ट नहीं करा रहे हम लोग, सिंपल मिक्स कर रहे हैं, ध्यान रखना, ये बात समझ में आया, अरे समझ में आता है कुछ, yes, इसको जाके को घर पे पढ़ना और जो क्वेश्चंस देंगे उसको क्वेश्चंस को आप कर लेना, और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। सैटरडे को क्लास हो नहीं पाया था और आज भी बहुत सारा टाइम डिस्कशन में चला गया, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है, तो आपको बस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, फिर अपना एक बार बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा दिमाग से। चलो कुछ पूछना है तो बताओ, नहीं तो एंड कर रहा हूँ।